अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि हर लड़की को ये प्रॉब्लम होती है, ये जैनब को भी प्रॉब्लम्स है, ये मेरी भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है आपको बालों में स्प्लिट आ जाते हैं, हेयर स्प्लिट एंड में होते हैं, बाजों के शुरू से पूरी लेंथ में आते हैं, बाजों के एंड में होते हैं स्प्लिट्स। यानी कि दो मुँह बाल, एक बाल से दो दो मुँह या तीन तीन मुँह बालों के निकल आते हैं। वो क्यों निकलते हैं? पहली बात तो मैं उसको सलूशन बताती हूँ। आपने अपने नहाकर बालों में कभी भी तौलिए से, जिससे भी आप तौलिए से बाल साफ़ करते हो, उसको ऐसे से रगड़ना नहीं है अपने बालों को। उससे क्या होता है, जब आप गीले गीले बालों में तौलिए को ऐसे रगड़ते हैं ना, तो उसमें चार्ज आता है वो तौलिए की, और वो जो चीज़ होती है ना, वो आपके बालों को कमज़ोर करती है, जिसकी वजह से बालों में दो मुँह बाल आ जाते हैं। ये किसी को भी नहीं पता होता, हम लोग घर में अक्सर ये प्रॉब्लम कर देते हैं। पहले शुरू में मैं भी ये करती थी, जब मैंने इसको सर्च किया, पढ़ा और मैंने सीखा, फिर मुझे पता चला। आप देखेंगे जैसे कि जैनब के बालों में दो मुँह बाल, ये एक बाल से तीन बाल निकल रहे हैं, एक दो और तीन, तीन बाल निकल रहे हैं। अब इसको हमने कैसे ख़त्म करना है? सबसे पहले तो आप तौलिया रगड़ना अपने बालों में, रब करना छोड़ दें, ठीक है? उससे आपके बाल दो मुँह होंगे नहीं। आप हल्के हल्के बालों को नीम जैसे पानी निचोड़ आता रहा, उस बालों में अपने बालों को ब्रश करें, और बिल्कुल भी खुश्क करने की तौलिया से ज़रूरत नहीं है। आपके बाल बिल्कुल शाइन और लचक जैसे हो जाएंगे, दो मुँह बाल आना बंद हो जाएंगे। और अगर आपके पहले से ही दो मुँह बाल हैं, तो आप उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? आप उसको ऐसे ख़त्म कर सकते हैं, आपने लेना है, जैसे कि अभी आपने देख लिया ना जैनब के दो मुँह बाल हैं, ठीक है, ये जैसे कि ये दो मुँह बाल हैं। अब आपने इसको कैसे ख़त्म करना है? अगर आपकी एंड से हैं, तो आपने एक एक बाल को यूँ पकड़ना है। आपको मैं फ्रंट वाला बाल पकड़ के दिखाती हूँ। आपने एक एक बाल को यूँ पकड़ना है और उसको ट्विस्ट करना है, ठीक है? इस तरह ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करना है। ये आपको जो अगर दो मुँह बाल आ गए हैं, स्प्लिट हो गए हैं हेयर में, तो आपने उसको कैसे ख़त्म करना है? जब इसको ऐसे ट्विस्ट करेंगे ना आप, उसके बाद आपने हल्का सा इसको ऐसे से ऊपर कर देना है, ठीक है? अब आ गया होगा ना। अब जब ऐसे ऊपर कर देंगे ना, ये आप देख रहे हैं ना, ये सारे आपके दो मुँह बाल हैं। आपको दिखाती हूँ मैं, शायद कैम में नज़र ना आए, ये सारे दो मुँह बाल ऊपर को आ गए हैं, ठीक है? एक दफ़ा मैं आपको फिर दिखाती हूँ। एंड से मैंने बाल लेने हैं, बिल्कुल पतली पतली बिल्कुल पतली पतली आपने लेयर्स देनी है, और उनको आपने ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, पूरा एंड तक करना है। अगर आपके शुरू से हैं तो शुरू से कर लें, लेकिन अगर आपके एंड में हैं, बहुत से लोगों के एंड में होते हैं, तो आपने इसको पूरा ट्विस्ट करना है, ठीक है? यूँ ट्विस्ट करने के बाद दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बता रही हूँ, आपने इसको हल्का हल्का ऊपर करना है। जब आप ऊपर कर लेंगे, ये देखेंगे बाल ऐसे ऊपर आ जाएंगे। ये जब ऐसे बाल ऊपर आ गए, आपको दिखाती हूँ इसमें दो मुँह बाल भी हैं। जब आप कैसे दिखा रही थी कैम में, नज़र आ रही है, ये देखें, ये दो मुँह बाल आ रहे हैं ना, ये देखें, ये वाला बाल, ये देखें, ये दो मुँह बाल हैं ये, ठीक है? ये ऊपर आ गया ना, तो आपने क्या करना है, आपने यूँ पकड़ के, जब आप थोड़ी साइड पे हो, यूँ पकड़ के आपने बालों को यूँ यूँ काटना है, जो दो मुँह बाल होंगे उनको यूँ यूँ सारा रब करना है। आप आगे हो कैम में ताकि नज़र आए, ये बाल आपके खड़े हो गए हैं, ये सारे दो मुँह बाल हैं, आपने इनको हल्का हल्का यूँ काटना है। यानी कि ये आपके बाल नहीं कट रहे, ये स्प्लिट हैं जो, ये वो आपके सारे बाल रिमूव हो रहे हैं, ठीक है? ये आपने हल्का हल्का यूँ काटना है। इसी तरह आपने सारे बालों को इसी तरह, जब एक आपकी पूरी लट हो जाएगी, आपने ख़त्म कर देना, फिर दूसरी पकड़ लेनी है, फिर दूसरी को आपने ट्विस्ट करना। अगर आप वीक में एक बार करेंगे, तो आपके स्प्लिट बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है? इसका दूसरा सलूशन ये है, अगर आपको ट्विस्ट करके नहीं करना, तो आपने अपनी एक एक लट पकड़नी है यूँ। पीछे से ही दिखाती हूँ आपको, क्योंकि जैनब की फ्रंट वाले फ्रेश है, पीछे वाले बालों में जैनब की स्प्लिट है। ये आपने लट पकड़नी है ऐसे, ठीक है? आपने यूँ ट्विस्ट नहीं करना, इसको आगे होता है ना, आपने इसको यूँ रखना है, ठीक है? जब आप इसको यूँ रखेंगे, एक आपने फिंगर रखनी है नीचे ऐसे, और एक आपने रखनी है ऐसे ऊपर, और हल्का हल्का इसको स्लाइड देना है बालों को, और एक हाथ में आपने पकड़नी है कैंची। ये आप खुद घर में खुद बैठ कर, कर सकते हैं, आपको बाज़ार जाकर सलून जाकर करवाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप कर लेंगे ना जब, ठीक है, ये बाल देखें ऊपर आई जा रहे हैं ना, जो आपके दो मुँह बाल होंगे ना, वो ऊपर आई जाएंगे। आपने हल्का हल्का कैंची से इसको हल्का हल्का यूँ काटते रहना है, फिर आपने स्लाइड देनी है बालों को, फिर हल्का हल्का दो मुँह को यूँ काटते रहना है, फिर आपने स्लाइड देनी है बालों को,
ये देखिए, ये जैसे कि बाल खड़े हैं, दो मुँह बाल हैं, इनको हल्का हल्का आपने कैंची से काटना है, फिर हल्की सी स्लाइड देनी है आपने, जैसे ये दो मुँह बाल आ गए हैं, इनको आपने हल्का सा देना है, फिर आपने स्लाइड देनी है, ठीक है। इसी तरह आपने एंड्स में भी इसी तरह करना है, ऐसे पका के ऐसे। हाँ, एक बार हाथ और ऐसे ऊपर रखना है, ये वाला हाथ आपने ऐसे रखना है, नीचे रखना है ये हाथ, ये हाथ वो वाली फिंगर सेंटर वाली दरमियान वाली फिंगर निकालो ऐसे, ये देखें, यानी कि तीन उंगलियों को, ये वाली फिंगर को आपने नीचे रखना है, ये वाली ऊपर करना है, ये आपकी स्लाइड आई जा रही है, ये देखिए स्लाइड बन गई है, ठीक है। ये बिल्कुल आप एंड्स में भी आएंगे ना, क्योंकि जानू के बाल लंबे हैं ना, इसलिए कैम में पूरा भी नहीं आ रहा, ये जैसे ही आप एंड में आएंगे, ये एंड में आ गए आप, ठीक है, आगे हो जाना। ये आपके बाल खड़े हैं, ये सारे दो मुँह बाल हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं डैमेज बाल, सारे दो मुँह बाल, जब इसको सही दिखाओ ना कैम में, ये देखें ये दो मुँह बाल आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरह ये ऊपर आ जाएंगे, आपने इनको हल्का हल्का यूँ कैंची के साथ ट्रिम करना है, कैंची के साथ हल्का हल्का यूँ ट्रिम करना है, थोड़ी मेहनत है लेकिन आपके सारे ख़त्म हो जाए, ये आप जब काटेंगे ये दो मुँह बाल सारे कट जाएंगे। इसी तरह हमें सारे बालों को पकड़ना है, दो तरीके बताए, तो या तो आपको ईजी लगे ट्विस्ट करके कर सकते हैं, या तो आप करें स्लाइड करके कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके स्प्लिट हेयर बाल ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल बाल बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके बिल्कुल भी नहीं है तो आप अभी से, आज से आप यूज़ करें कि आपने अपने बालों को हल्का हल्का गीले बालों में कोम करना है, बिल्कुल बालों को टॉवल के साथ रब या खुश्क नहीं करना, उससे बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं, बालों में चार्ज आ जाता है, जैसे कि अगर आप कंघी कर रहे हैं, कंघी करने के बाद बाल सर्दियों में अक्सर बालों में ऐसे चार्ज आ जाता है, ऐसे खड़े हो जाते हैं बाल, जैसे करंट से खड़े हो जाते हैं ना, ऐसे खड़े हो जाते हैं, तो इसीलिए आपने, ये क्यों होता है, ये हमारे तौलिए से बालों को खुश्क करने से होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतनी सी थी मैंने और जानने आप लोगों से शेयर करनी थी कि दो मुँह बालों का बहुत मसला रहता है लड़कियों को, तो हमें ये करना है कि हमें बालों को हल्का हल्का गीले बालों में कंघी करनी है और उसको पानी को ऐसे ही नुचड़ के खुश्क होने देना, तौलिए से बिल्कुल खुश्क नहीं करना। दूसरे नंबर पर ट्विस्ट करके, अगर आपके स्प्लिट है ऑलरेडी तो आपने ट्विस्ट करके करना है नंबर वन, और अगर आपको ट्विस्ट से ईजी नहीं लग रहा तो आप यूँ तीन उंगलियों को रखना है, एक को सेंटर में रखना है, ये भी फिंगर को सेंटर में रखना है, बाकी ये दो को ऊपर करना है, तो ऐसे स्लाइड करते रहना है, आपके दो मुँह बाल ऊपर आते रहेंगे, कैंची के साथ आपने हल्का हल्का इसको काटते रहना है। ये देखिए, अगर आप फ्री बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, छत पे बैठे हैं, सेहन में बैठे हैं घर की, तो अगर आप दिन में करेंगे ना तो ज़्यादा नज़र आएगा, अगर आप घर की छत पे बैठे हैं, दिन में बैठे हैं, धूप ले रहे हैं, तो आराम से अपने बालों को ऐसे करें, आपके बाल बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल लचकदार, स्ट्रेट और शाइन बालों में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नई अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।